हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को हम, कोई मतलब नहीं है इन बातों का, कांग्रेस कांग्रेस है, बीजेपी बीजेपी है, और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है। कुमारी सैलजा की नाराजगियों को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने तीखा तंज कसा है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी पर बड़ा बयान दिया है। उदय भान ने कुमारी सैलजा के हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार से दूर रहने पर कहा कि कोई भी परेशान नहीं है, वो अपना काम कर रही है। दरअसल उदय भान ने मनोहर लाल खट्टर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जो उन्होंने कुमारी सैलजा को लेकर कहा था। उन्होंने कहा था कि खट्टर मिस्टर इंडिया बन गए हैं, कोई भी उन्हें महत्व नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी नहीं। उन्हें अपने बारे में बात करनी चाहिए, वो बताएं कि रामविलास शर्मा का क्या है। इतना ही नहीं, उदय भान ने कुमारी सैलजा के कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर भी सफाई पेश की। उन्होंने इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो हमेशा कांग्रेसी बनी रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में चुनाव प्रचार का फिर से आगाज करेंगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सैलजा 26 सितंबर को नरवाना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सैलजा के मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया, उसे दलित विरोधी पार्टी करार दिया और कहा कि उसने कुमारी सैलजा और अशोक तंवर जैसे दलित नेताओं का अपमान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव 61 साल की सैलजा पार्टी का एक प्रमुख दलित चेहरा है। वो करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद चुनाव प्रचार में उतरेंगी। हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी कांग्रेस की प्रमुख दलित नेता के चुनाव प्रचार से दूर रहने को लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने सैलजा को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राज्य इकाई में कथित अंदरूनी कलह की ओर भी इशारा किया था। इन तमाम अटकलों के बीच सैलजा सोमवार को सामने आई और कहा कि बीजेपी और सभी लोग जानते हैं कि वो कांग्रेसी हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक के सवाल पर कहा कि शीर्ष नेताओं के साथ अक्सर चर्चा होती रहती है। सैलजा ने कहा कि पार्टी में तो 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। पार्टी को जिताने के लिए हमने लोकसभा चुनाव में मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, इसलिए कि हम जमीन पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकें, हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ें, अपने कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई लड़ें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। हम तैयार हैं और हरियाणा की जनता भी तैयार है, उसका नमूना अपने लोकसभा में देखा, और जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है।